गुड मॉर्निंग डियर, हम आज डेरिवेटिव्स के नेक्स्ट लेक्चर्स में इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। तुमने कहा अच्छा इनफाइनाइट सीरीज का, मैंने कहा बेटा देखो इनफाइनाइट सीरीज में क्या है बेटा, इस तरह की सीरीज देते हैं आपको ऐसे बेटा, ये एफ एक्स दे दिया प्लस ऐसे प्लस ये बेटा, ऐसे इनफाइनिट तक चलता रहेगा, इसका डिफरेंशियल करना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बेटा अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, तो मैंने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा देखो ऐसे ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरे को हटा दूं, इसको इसको यहां से इसे छिपा दूं, इसे हटा दूं, तो वापस यही बच रहा है जो पहले जैसा ही है। मैंने कहा हाँ, मीन्स अपन इसको ऐसा कह सकते हैं क्या बेटा, रूट एफ एक्स, और इसे अगर अगर मैं पूरे को छिपा दूं इसको, तो इसको मैं वाई जैसे लिख सकता हूँ। तुमने बिल्कुल, अब बेटा स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल कितना एफ एक्स प्लस वाई, बहुत बढ़िया। अब इसका डिफरेंशियल करो, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा एफ डैश एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, इसको एक तरफ ले आओ, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना एफ डैश एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, टू वाई माइनस वन इक्वल कितना एफ डैश एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स आ गया एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तुमने कहा यस, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तब हमें और समझ में आएगा। जैसे बेटा वाई इक्वल ये बेटा, इसको भूल जाऊं तो ये इनफाइनिट जैसा दिख रहा है, तो ये इसकी पावर वाई जैसा दिख रहा है। तुमने कहा बिल्कुल, अब लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ऑफ वाई वाई लॉग एक्स, अब लॉग का डिफरेंशियल करो बेटा, तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई लॉग एक्स का कितना वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। एक तरफ ले आओ बेटा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना बेटा वाई बाई एक्स। मस्त हो गया सुनना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल वाई बाई एक्स, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसका एल्शियम लिया मैंने, इसका एल्शियम ले रहा हूँ, तुमने कहा यस, तो डी वाई बाई डी एक्स ये बेटा एल्शियम लिया तो कितना आया यहाँ पे, वाई आया वन माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा वाई बाई एक्स। अब बेटा आराम से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, बोलो कितना, तुमने कहा वाई स्क्वायर बाई एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स, ये बेटा ये हमारा डिफरेंशियल है। क्या यही प्रूव करना था, मैंने कहा हाँ यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, बहुत बढ़िया बच्चों जैसी बात है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, वाई इक्वल कितना दे रखा अंडर रूट ऑफ ये बेटा साइन एक्स एज इट इज प्लस इसको रूट में हटा दे तो बेटा ये कितना रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स इस चलता गया इनफाइनिट तक। तुमने कहा अच्छा अच्छा इनफाइनिट तक जा रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा, अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, इनफाइनिट तक जा रहा है ऐसे, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ वाई इक्वल रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ना बिल्कुल कह सकते, स्क्वायर कर दे। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा, टू वाई माइनस वन इक्वल कॉस एक्स, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया
कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, क्या यही प्रूव करना था? तुमने कहा हाँ यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन बेटा, बेटा देखो y इक्वल ये दे रखा है e की पावर x प्लस, इसको y मान लो क्या, इसे भूल जाऊं हटा दूं, इसे अगर मैं हटा दूं, अगर इसे मैं हटा दूं तो e की पावर x जैसे ये एज इट इज और प्लस y जैसा दिख रहा है, तुमने कहा यस। अब लॉग ले दो दोनों तरफ, लॉग y इक्वल कितना, तुमने कहा लॉग ऑफ e, e की पावर x प्लस वन, बहुत बढ़िया, log of y equal x plus y into log e base e, ये तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसका differential 1 upon y divided by dx equal कितना 1 plus divided by dx, बेटा एक तरफ ले आओ 1 by y divided by dx minus divided by dx equal 1 divided by dx common ले लो, means dy by dx into 1 minus y upon y equal kita beta 1, so dy by dx equal kita aa gaya y upon 1 minus y, mere hisab se aapko baat samajh mein aa gayi ki aap kaise isko deal kar sakte hain, tumne kaha yes ye prove karna tha kya, tumne kaha yes ye prove karna tha, hence proved। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी वैसा ही है बेटा, तुमने कैसा, तो बेटा इसको अपन ले सकते हैं रूट एक्स की पावर वाई जैसे, तुमने आप बिल्कुल इसको हटा, अरे इसे भूल जाओ बेटा, इसे भूल जाओ, से ऐसे ऊपर वाला बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा, तुमने कहा अब लॉग ले लो, अपन ऐसे कहते हैं log e y equal y log e x की पावर हाफ, तो log y equal y by 2 log x, तो अपन डिफरेंशियल करें 1 upon y dy by dx equal y by 2 log x का डिफरेंशियल 1 by x plus log x by 2 dy by dx, सबको एक तरफ ले आओ 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई टू एक्स, बेटा हमें डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बेटा यहाँ क्या बचा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स बाई टू इक्वल वाई बाई टू एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स ये कितना 2 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन टू वाई इक्वल वाई बाई टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया बेटा, तुमने कहा ये 2 और ये 2 तो जा रहा है बिल्कुल, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 2 माइनस वाई लॉग एक्स, क्या यही प्रूव करना था क्या, तो मैं बिल्कुल यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ये बेटा हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आप आराम से ऐसे क्वेश्चन डील कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और करें फिर, या मेरे हिसाब से सफिशियंट है, तुमने कहा यस। अब बेटा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, मीन्स वाई इक्वल एफ एक्स देगा उसका जेड इक्वल जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, means differentiation of fx, differentiate fx with respect to gx, अच्छा fx का differentiation gx के respect में, मैंने कहा yes, मतलब y को fx मान लिया, gx को z को gx मान लिया, बेटा मुझे dy by dz चाहिए, बहुत बढ़िया, dy by dz को अपन ऐसे कह सकते हैं dy by dx upon dz by dx, तुमने कहा यस, तो dy by dx कितना बेटा, तुमने कहा f dash x, और dz by dx कितना, तुमने कहा g dash x,
ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन बनना, अच्छा जैसे y इक्वल e की पावर x है और z इक्वल रूट x है, इसका इसके रिस्पेक्ट में तो ना ठीक है बेटा dy बाई dx बताओ कितना, तो इसका डिफरेंशियल तो e की पावर x और dz बाई dx कितना, हमने कहा 1/2 रूट x, बस हमारा आंसर आ गया। dy बाई dz चाहते हैं इसको हम कहते हैं dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, तो बताओ बेटा dy बाई dx कितना e की पावर x, dz बाई dx कितना 1/2 रूट x, मीन्स dy बाई dz कितना आ गया 2 रूट x e की पावर x, ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा देखो y इक्वल साइन स्क्वायर x दे रहा है और किसके रिस्पेक्ट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू z इक्वल e की पावर cos x, बेटा इसका डिफरेंशियल करो dy बाय dx कितना आया 2 sin x और sin x का डिफरेंशियल cos x, इसका dz बाय dx करो e की पावर cos x का e की पावर cos x, और cos x का डिफरेंशियल बेटा कितना माइनस sin x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तुमने कहा ये इसको चाहिए क्या, तुमने कहा dy बाय dz, तो क्या बेटा मैं इस पे ऐसा कह सकता हूँ dy बाय dx अपॉन dz बाय dx, तुमने कहा दौड़ के कहो dy बाय dx कितना, तुमने कहा 2 sin x cos x अपॉन ये कितना बेटा dz बाय dx, तुमने कहा e की पावर cos x इंटू माइनस sin x, बेटा ये sin x और ये sin x जा रहा है, तो बताओ dy बाय dz कितना, तुमने कहा माइनस 2 cos x अपॉन e की पावर cos x, ये बेटा हमारे क्वेश्चन। तुमने कहा बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेटा ये बहुत ही सिंपल है। जैसे अब ये क्वेश्चन है y इक्वल टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और z कितना बेटा, तुमने कहा टेन इनवर्स x, ना बहुत बड़े बेटा, बेटा मैं x को टेन थीटा मानना चाहता हूँ, ठीक है बेटा, तो बताओ y कितना आ गया, तुमने कहा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, तो बेटा ये कितना हो गया y इक्वल टेन इनवर्स रूट ऑफ sec टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना था sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा कह दिया मैंने, बेटा y इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, ये दो कौड़ी का बेटा 1 से 1 गया 2 से 2 गया एक साइन इससे चला गया, तो y इक्वल कितना आ गया बेटा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया, तो y को इससे y क्या हो जाएगा बेटा थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया। अब थीटा तुमने क्या रखा है, तुमने कहा थीटा, मैंने कहा तो y इक्वल कितना बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा 1 बाई 2 टेन इनवर्स x और z कितना बेटा, तुमने कहा टेन इनवर्स x, बच्चों जैसी बात, तो ये तो y इक्वल z बाई 2 हो गया, मैंने कहा तो dy बाई dz कितना बेटा, तुमने कहा 1 बाई 2, ये हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन पढ़ना, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू z इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, बेटा ये बहुत ही सिंपलेस्ट जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ये x की जगह tan थीटा, ये सारे फार्मूले दिख रहे हैं दोनों में, y कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स 2 tan थीटा
और 1 प्लस टेन इस पार थीटा, और जेड कितना आया बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा वाई कितना आ गया साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और जेड इक्वल कितना आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। अरे वाई इक्वल कितना आ गया 2 थीटा, और जेड भी कितना आ गया 2 थीटा, तो वाई इक्वल जेड कह सकते हैं तुमने कहा यस, तो डी वाई बाई डी जेड कितना बेटा ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है कि आप कैसे डील करेंगे, तुमने कहा यस। अब बेटा तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वाई इक्वल कितना टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, जेड कितना बेटा साइन इनवर्स 2x अपॉन, ये सीधे सीधे फार्मूले दिख रहे हैं बेटा, x की जगह टेन थीटा रखो तो क्या होगा डी वाई बाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें उसके बाद करेंगे, y इक्वल कितना बेटा तुमने कहा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और z कितना बेटा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बेटा आराम से देखो y इक्वल कितना हो गया टेन इनवर्स 10 टू थीटा, और z इक्वल कितना हो गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, बस दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया, y इक्वल टू थीटा z इक्वल टू थीटा। बेटा इसको y इक्वल z कह सकते हैं तो ना बिल्कुल कहो, तो dy वाई बाई डी जेड कितना मैं कहूँगा ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। उसने कहा बेटा वाई इक्वल टेन इनवर्स इसका डिफरेंशियल करना हमको, मेगा अभी करते हैं बेटा, इसकी क्यों चिंता, किसकी क्या चिंता कर ली मैंने, बिल्कुल बेटा ये बेटा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुमने बिल्कुल इसका डिफरेंस करना किसके रिस्पेक्ट में जेड इक्वल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो बेटा कॉस जेड इक्वल एक्स स्क्वायर है ऐसा कह सकता हूं, तुमने कहा यस, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दू टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह कॉस जेड कह दो तो 1 प्लस कॉस जेड माइनस रूट 1 माइनस कॉस जेड रूट 1 प्लस कॉस जेड, अच्छा अच्छा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, ये बेटा उन्हें अभी देखते हैं बेटा y का z tan इनवर्स cos का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, ये फॉर्मूला ब्रेक करूंगा इससे cos का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर जेड बाई टू माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू, बहुत बढ़िया देखो ये वन इस वन से गया, ये वन इस वन से गया, ये वन इस वन से गया, और ये वन इस वन से गया, तो वाई इक्वल कितना आ गया तुमने कहा टेन इनवर्स, ध्यान सुनना बेटा रूट टू कॉस जेड माइनस रूट टू साइन जेड बाई टू, जेड बाई टू अपॉन रूट टू कॉस जेड बाई टू प्लस रूट टू साइन जेड बाई टू, बेटा ये आ गया, तो मेरा टेंशन ही नहीं है बेटा वाई इक्वल कितना टेन इनवर्स
और रूट टू कॉस जेड बाई टू से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया वन माइनस टेन जेड बाई टू अपॉन वन प्लस टेन जेड बाई टू। तो हमने कहा यस, और इससे मैं कह सकता हूं टेन इनवर्स वन की जगह टेन पाई बाई फोर माइनस टेन जेड बाई टू अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर एन जेड बाई टू। बस हमारा क्वेश्चन बनता जा रहा है बेटा, वाई इक्वल कितना टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू हमने बहुत बढ़िया। तो वाई इक्वल कितना आ गया बेटा टेन इनवर्स से टेन गया तो बेटा कितना पाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू। तो बताओ डी वाई बाई डी जेड कितना, हमने कहा माइनस हाफ। बच्चों जैसी बात, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा ही है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अच्छा पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करने, मैंने कहा यस। तो बेटा जैसे एक्स इक्वल एफ टी दे रखा ये वैसा ही है, और वाई इक्वल जेड टी जी टी दे रहा, क्या दे रखा बेटा जी टी दे रखा। तो डिफरेंशियल करना है, तुमने कहा बिल्कुल अभी देखते हैं बेटा। तो बेटा इसका डिफरेंशियल क्या करें, इसका पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं। तुमने कहा एफ डेस टी, डी वाई बाई डी टी, तुमने कहा जी डेस टी। तो बेटा डिफरेंशियल ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन जैसा ही है, बहुत ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तुमने कहा यस, तो मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तुमने कहा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो बताओ क्या हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स, तुमने कहा डी वाई बाई डी टी कितना, तुमने कहा जी डैश टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना, तुमने कहा एफ डैश टी। बस काम बन गया। जैसे बेटा मैंने कहा एक्स इक्वल ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टी, इसका डिफरेंशियल करना। सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालो कितना, तुमने कहा टू ए टी। डी वाई बाई डी टी निकालो कितना टू ए। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना, तुमने कहा बेटा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना टू ए, और डी एक्स बाई डी टी कितना टू ए टी, ये गया बेटा ये हमारे पास वन अपॉन टी आ गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल आप आराम से कर सकते हैं। जैसे बेटा उसने दे दिया x इक्वल टी प्लस वन अपॉन टी, और y दे दिया बेटा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे डिफरेंशियल करना, तो बेटा इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इक्वल कितना, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया इनका स्क्वायर किया, x का स्क्वायर किया, तो ये कितना बेटा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन टी गया। एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आया बेटा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी कितना वाई प्लस टू। अब आराम से डिफरेंशियल कर सकते हैं, टू एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, टू एक्स आ गया, यही हमारा आंसर। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, एक्स इक्वल ए टी प्लस साइन टी, और वाई इक्वल कितना ए वन माइनस कॉस टी, इसका डिफरेंशियल करना है। तुमने आप बिल्कुल अभी करते हैं डी एक्स बाई डी टी कितना, तुमने कहा ए वन प्लस कॉस टी, बहुत बढ़िया। डी वाई बाई डी टी कितना, तुमने कहा ए साइन टी, बहुत बढ़िया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी कितना आ रहा है, तुमने कहा ए साइन टी। डी एक्स बाई डी टी कितना, ए वन प्लस कॉस टी, तुमने बहुत बढ़िया बेटा। तो डी वाई बाई डी ए से ए कैंसिल हो रहा है,
तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना तुमने का बेटा ये आ गया साइन टी अपॉन वन प्लस कॉस टू। इसको और सिंप्लीफाई करने चाहें तो डी वाई बाई डी टी कितना तुमने का हाफ एंगल में तोड़ो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे वन चला जाए टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन, ये वन से वन गया टू से टू गया एक कॉस से एक कॉस गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना तुमने कहा बेटा ये आ गया टेन टी बाई टू दो कौड़ी का बेटा। ये हमारे पास डिफरेंस चला गया डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स टेन टी बाई टू डी वाई बाई डी एक्स ये वाला डी वाई बाई डी एक्स ये बेटा ये हमारा ऑप्शन तुमने कहा अच्छा। अब बेटा ये क्वेश्चन है एक्स इक्वल कितना है बेटा ए कॉस थीटा प्लस लॉग ऑफ टेन थीटा बाई टू, और वाई इक्वल कितना दे रहा है ए साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या बेटा एट थीटा है ओके पहले डीएक्स बाई डी थीटा निकाल ए एज इट इज कॉस थीटा का डिफरेंशियल तुमने कहा माइनस साइन थीटा बहुत बढ़िया बेटा लॉग टेन थीटा बाई टू का वन अपॉन टेन थीटा बाई टू और टेन थीटा बाई टू का तुमने कहा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू बहुत बढ़िया बेटा डीएक्स बाई डी थीटा इक्वल ए माइनस साइन थीटा और बेटा एक और थीटा बाई टू का भी तो आएगा तुमने कहा यस कितना तुमने कहा बेटा ये भी तो आएगा या कितना तुमने कहा वन बाई टू ओके तो वन बाई साइन वन अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई टू नीचे आते ही कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू ये कॉस और ये कॉस क्या डीएक्स बाई डी थीटा कितना तुमने कहा ए माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू बेटा ये साइन थीटा जैसा नहीं दिख रहा तो ना बिल्कुल दिख रहा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा बेटा इसको अपने ऐसा कह सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इक्वल एलसीएम ले लो साइन थीटा तो आ गया बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत बढ़िया तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ गया बेटा कितना आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा कितना तुमने इनमें कितना ए कॉस थीटा बहुत बढ़िया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना तुमने कहा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है ये बेटा क्या कर रहे हो ये एक डी एक्स बाई डी थीटा है और ये डी वाई बाई डी थीटा ये डी एक्स ये डी एक्स बाई डी थीटा है और ये कितना बेटा डी वाई बाई डी थीटा ये बेटा तो डी वाई बाई डी थीटा कितना तुमने कहा ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कितना बेटा तुमने कहा कॉस स्क्वायर थीटा ये नहीं था क्या तुमने कहा था ना ये तो हमेशा साथ चल रहा था नहीं लो भैया ये भूल क्यों रहे हो ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बेटा ए से ए चला गया ए कॉस से ए कॉस चला गया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बेटा तुमने कहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दो कौड़ी का तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल कितना आया बेटा तुमने कहा टेन थीटा ये चला मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब तो उसने कहा डी वाई बाई डी थीटा क्या चाहिए उसको पाई बाई फोर पे तो डी वाई बाई डी थीटा एट पाई बाई फोर कितना
तुमने कहा 10π/4 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर 1। अब बेटा ये भी क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन है, इनको अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। अभी देखो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा देखो x इक्वल ए साइन 2t 1 cos 2t और y इक्वल बी cos 2t 1 cos 2t। बेटा dx बाई dt कितना, तुमने कहा dx बाई dt, मैंने कहा हाँ, ए साइन 2t एज इट इज और इसका डिफरेंशियल 0 माइनस साइन 2t और 2t का 2 प्लस 1 cos 2t एज इट इज और ए साइन 2t का cos 2t इंटू 2। तो dx बाई dt कितना आ गया बेटा, तुमने कहा ए कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बेटा 2a कॉमन ले लिया तो कितना माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। तो dx by dt हमारे पास क्या आ गया बेटा 2a cos square t minus sin square t cos 4t plus cos 2t। बहुत, अब dy by dt चाहता हूं, तुमने कहा b cos t as it is 2t as it is और 1 का differential 0 और cos का साइन 2t इंटू 2 प्लस 1 cos 2t एज इट इज बी माइनस 2 sin 2t। बहुत बढ़िया, इन दोनों में कॉमन क्या होता है dy बाई dt, तुमने कहा 2b कॉमन ले लो, मैंने कहा ठीक है बेटा, तो कितना cos 2t साइन 2t प्लस 2b कॉमन ले लिया माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2b हो गया साइन टी कॉस टी साइन 2t कॉस 2t बेटा साइन 2t कॉस 2t कॉस 2t। तो बेटा dy बाई dt इक्वल कितना 2b साइन 4t माइनस साइन 2t। अब बेटा मुझे dy बाई dx कितना चाहिए, तुमने कहा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt यस, तो बताओ dy बाई dx कितना, तुमने कहा बेटा dy बाई dt कितना 2b साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन ये कितना बेटा, तुमने कहा 2a cos 4t प्लस cos 2t। अब बेटा आराम से देख सकते, ये गया है, ये गया नहीं, ए नहीं गया बेटा, मैंने कहा हाँ यार ए तो नहीं गया, ये 2 गया और dy by dx at t equal pi by 4, मैंने कहा यस, तो ये कितना आ गया बेटा b by a into ये कितना 5/4, तो ये साइन पाई प्लस साइन 5/2 अपॉन
बेटा माइनस का था यहाँ पे, माइनस का ये बेटा, ये कितना कॉस पाई ओमेगा एस प्लस कॉस पाई बाई टू। तो यहां से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा माइनस बी बाई ए अपॉन कॉस पाई ए टू हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी बाई ए एंस प्रूट, यही मुझे प्रूफ बेटा। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं बेटा, ये जैसे दे रखा है एक्स इक्वल ए वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। वाई कितना दे रहा है टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। तुमने कहा बेटा ये क्या वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए को तो बाहर ही रहने दो, वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, तुमने कहा यस, और वन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल डी बाई डी टी ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर ना, बहुत बढ़िया। माइनस वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, तो बेटा डी एक्स बाई डी टी कितना बेटा बताओ जल्दी से, ए ये बेटा ऐसा देखो वन माइनस टी स्क्वायर इंटू वन का डिफरेंशियल जीरो और ये टू टी, माइनस वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और इसका डिफरेंशियल कितना माइनस टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल कितना बेटा ए, इसको बेटा कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा टू टी कॉमन ले लो, बेटा मैं टू टी कॉमन ले लेता हूँ, ले लो टू टी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा बेटा वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, तुमने कहा बेटा ये आ गया 480 अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा डी वाई बाई डी टी फाइन करना चाहते हैं, तुमने इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो बेटा, तुमने कहा यस, अब वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, अब बेटा देखो बात सुनो मेरी ध्यान से, टू टी का डिफरेंशियल कितना टू माइनस टू टी एज इट इज और वन माइनस टी स्क्वायर इनिशियल डिफरेंशियल कितना माइनस टू टी, तुमने बहुत बढ़िया बेटा। देखो कैसे मैंने किया बेटा, देखो वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज टू टी का डिफरेंशियल टू माइनस टू टी ऊपर वाला एज इट, और इस डिफरेंशियल बताइए, अब बेटा इसको अपन सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी टी कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा इसमें से टू कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तुमने कहा अच्छा तो डी वाई बाई डी टी कितना आया बेटा, तुमने कहा बेटा ये टी स्क्वायर तो टू टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बेटा डी ये इक्वेशन नंबर टू। बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या कहेंगे, तुमने कहा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, बताओ डी वाई बाई डी टी कितना है, तुमने कहा टू टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर
होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना बेटा 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये गया, ये 2:2 से गया, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तुमने कहा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280। बेटा ये हमारा डिफरेंशियल इस क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं बताता तो मैंने सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बेटा ये दो बार डिफरेंशियल की बात कर रहा है तो दो बार डिफरेंशिएशन को मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताता हूं। अब बेटा ये देखो डी वाई बाई डी, ये देखो एक्स इक्वल कितना दे रहा ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ही है, तुमने कहा ठीक है बेटा। तो बेटा इसका स्क्वायर करें तो कितना बेटा, तुमने कहा एक्स स्क्वायर करें तो ए साइन इनवर्स टी, बहुत बढ़िया। और इसका स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना ए कॉस इनवर्स टी, बहुत बढ़िया। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल कितना ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। लॉ ऑफ इंडिसेस से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल कितना, तुमने कहा ए की साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना होता पाई बाई टू, ये तो कॉन्स्टेंट आ गया। डिफरेंशियल करें एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तुमने कहा अच्छा तो 2x² y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया -2x y² ये 2 और ये 2 गया, ये एक y इस y से गया, ये x एक इस x से गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा -y/x और यही हमको प्रूव करना था। तुमने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा ये बहुत ही सिंपल है। जैसे बेटा उसने कहा एक्स इक्वल टी प्लस 1/t की पावर है और वाई कितना बेटा, तुमने कहा ए ए टी -1/t। अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा तो बेटा इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा, तुमने कहा टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2 होल पावर a, बहुत बड़े बेटा। और वाई इक्वल कितना बेटा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2, तुमने बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो एक्स इसको रिमूव करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बाई ए इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस ए, और वाई इक्वल वाई अपॉन ए स्क्वायर इक्वल कितना टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो एक्स अपॉन 2 बाई ए माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इक्वल कितना, तुमने कहा ए प्लस 2, ये बेटा देखो कैंसिल हो रहा है, तुमने कैंसिल हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा ये कैंसिल हो रहा है। ए 2 बाई ए वाई बाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस ए माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/t² प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। एक्स बाई 2 बाई ए माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इक्वल कितना 4 नहीं बेटा, ये आ गया हमारे पास, ये भी तो 2 ही है,
ये फोर आ गया। अब डिफरेंशियल कर सकते हो, टू बाई ए एक्स की पावर टू बाई ए माइनस वन माइनस वन बाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। तो हमने कहा यस, तो ये बेटा कितना आ गया, टू बाई ए एक्स की पावर टू माइनस ए बाई ए इक्वल वन अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये एक ए और ये एक कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बेटा बताओ जल्दी से। तुमने कहा बेटा टू ए एक्स की पावर टू माइनस ए अपॉन ए, ये हमारा डिफरेंशियल आ गया। आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बेटा। तो आज मैंने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डिफरेंशिएशन करने सिखाए, और बाकी मैंने एक फंक्शन का दूसरे फंक्शंस में इनफाइनाइट सीरीज है उनके डिफरेंशिएशन करने बताए। कल मैं आगे और हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।